बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन, जिसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड है। सो वेलकम ऑल ऑफ द व्यूअर्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रे ऑप्टिक्स। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह का फिनोमिनन है। सबसे पहले इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, या रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन। हम लोग पहले प्राइमरली ऐसा सोचते हैं कि कभी भी व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द एनी मटेरियल और एनी बॉडी। सो देयर आर थ्री डिफरेंट फिनोमिनन टेक्स प्लेस, लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इस एब्जॉर्प्शन को अगर हम लोग जीरो मान लेते हैं, इफ द लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस लाइक दैट, अगर कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है, ये देखिए कि एक लाइट इंसिडेंट किया है और इसका कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट कर गया, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये इंसिडेंट पार्ट है। यहां पर एक हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ किए हुए हैं। ये सपोज कर लीजिए कि कोई बाउंड्री है जो दो पार्ट में, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये एयर हो गया, इसको हम लोग ग्लास लेते हैं। तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद कुछ पार्ट इसका रिटर्न कर गया, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है, और एक देखते हैं एक लाइट जो ट्रांसमिट हुआ है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो लाइट है आपका, ये इंसिडेंट रे है। इस एंगल को हम लोग यहां आई और आर से अगर डिनोट करते हैं, तो इस सिचुएशन में इस आई को आप, सॉरी, एंगल आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा जो एंगल देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम लोग इसको दो पार्ट में देखते हैं। लाइट इंसिडेंट करने के बाद अगर वो बाउंस बैक कर गया, उसी मीडियम में रिटर्न कर गया जिस मीडियम में इंसिडेंट किया था, द फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन द रे ऑफ लाइट अलाउड टू इंसिडेंट ऑन एनी स्मूथ सर्फेस, सो इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेनन इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सरफेस अगर स्मूथ नहीं है, अगर हम लोग रफ सरफेस को ले लेते हैं, तो रफ सरफेस को अगर लेते हैं तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद इसका जो ट्रांसमिशन है, इसका जो रिफ्लेक्शन है, ये डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है। तो पहले स्मूथ जो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक्चुअली इसको हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सर्फेस, या जिसको आप सिंपली रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। और अगर सरफेस रफ लिया हुआ है, ये देखिए, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ये दो डिफरेंट काइंड का रिफ्लेक्शन है। तो हम लोग रिफ्लेक्शन अगर बोलेंगे, इसका मीनिंग है आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द स्मूथ सरफेस, इट मे बी अ प्लेन मिरर, और इफ द ग्लास इज पॉलिश्ड बाय द हाईली पॉलिश्ड ग्लास सरफेस और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, इट बिहेव्स लाइक द ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर, पॉलिश करते हैं। और इन जनरल एक हम लोग प्लेन मिरर को ले लेते हैं। और यहां जो ये फिनोमेनन इस पार्ट का देख रहे हैं, जिसमें इस पार्ट के ट्रांसमिशन पार्ट को भी वो छोड़ देते हैं, तो ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्शन के पार्ट को बता रहा है, और ये एक सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए यहां पर इसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्शन हो गया कि लाइट इंसिडेंट करने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न कर गया, इसमें दूसरे मीडियम की एक्टिविटी को हम लोग नहीं लिए हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं, तो देखिए इंसिडेंट रे
reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. दो important part है का light जो incident करता है और normal सब एक plane में, एक plane का अर्थ है कि ये board के plane में हम लोगों ने लिया हुआ, इस board के plane पर incident किया है, reflect किया और normal भी उसी के plane के along लिया हुआ है इस point पर. तो ये देखिए कि ये A, ये O और ये यहाँ पर हम लोग B लिए हुए हैं. तो इसका मीनिंग हुआ कि इंसिडेंट रे ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी और ये जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, अगर हम लोग इसको एन से डिनोट कर देते हैं तो ये नॉर्मल एन ओ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है जो कि एक ही प्लेन को ये बता रहा है. और दूसरा देखते क्या है कि एक सर्टेन रेगुलेशन को, एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है और ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लेते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इसको सिंपली एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से डिनोट करते हैं. तो ये एक पार्ट है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए. कॉमनली हम लोग इसको एक प्लेन मिरर के हेल्प से जनरली हम लोग देखते हैं कि एक लाइट इंसिडेंट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है और ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, ये आई है, ये आर है और इस तरह से आप इसको समझ लेते हैं. नॉर्मल से अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो जैसे जैसे ये इंसिडेंट इसके तरफ शिफ्ट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका जीरो हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लाइट सेम मीडियम में रिटर्न कर जाएगा. दिस इज द फेनोमिनन फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट. तो ये हम लोग का पार्ट है जिसको कम से कम रिफ्लेक्शन में हम लोग को इस तरह से जानना चाहिए. देखिए आपको क्या बता रहे हैं, अब हम लोग इस पार्ट को लेते हैं ए ओ और ये यहाँ पर सी से डिनोट कर देते हैं और सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर जो एंगल है इसको अब हम लोग आर ले लेते हैं. यहाँ से अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए अब देखें कि लॉ आई इज इक्वल टू आर है इसलिए आई से रिप्रेजेंट किया है और ये आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन यहाँ पर बता रहा है. तो रिफ्रेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट या सिंपली रिफ्रेक्शन, तो रिफ्रेक्शन में भी देखिए क्या होगा. अगर हम लोग केवल इस प्लेन का बात करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं. ये देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये डिस्कस कर लें, ये हम लोग का बाउंड्री है एक्स वाई जो एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है. ये आपका ए ओ और ये हम लोगों ने सी ले लिया है. सो द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, एक से दूसरे मीडियम में आएगा लाइट का पाथ चेंज कर जाता है और ये चेंज करने का जो रीजन है, जो यहां पर मीडियम के नेचर जिसको रिस्पॉन्ड करेगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी से इसको हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसको हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और जिसको कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको आप एन से और कभी कभी हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रीजन जिसके कारण क्या है कि लाइट का स्पीड चेंज करना, लाइट के पाथ का चेंज करना, वेवलेंथ का चेंज करना, यानी जो भी चेंज कर रहा है, जो भी लाइट का प्रॉपर्टी चेंज करता है जब एक से दूसरे मीडियम में आएगा. और इसमें एक चीज और जानना जरूरी है कि अगर ये एयर लेते हैं ये रेयरर मीडियम है और ये जो ग्लास लेते हैं ये डेंसर मीडियम. इसका मीनिंग हो गया कि ऑप्टिकली डेंस है ये इसके कंपेरिजन में. तो एयर का जो रेडिफिकेशन है या जो डेंसिटी है इस मीडियम के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है, रेडिफाइड है, स्मॉलर है, इसको रेरर बोलते हैं, इसको डेंसर मिलते हैं, यानी एयर एज ए रेरर मीडियम, ग्लास एज ए डेंसर मीडियम. ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर एयर से ग्लास में आएगा तो रिफ्रेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो ये एयर, अब ये ग्लास अगर हो जाता है और ग्लास से अगर ये एयर में इंटर करेगा
तो यहां देखिए ये आई और ए आर, सो रिफ्रेक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉट नेसेसरली कि एक ही तरह का बिहेवियर होगा, लाइट एयर से ग्लास में आएगा और ग्लास से एयर में जाएगा, तो रिफ्रेक्टेड रे का नेचर टुवर्ड्स और अवे हो जाता है। और ये लॉ क्या बतलाता है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन देखिए क्या डिफाइन करने जा रहा है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर लेते हैं इसको, और दूसरा देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये एक तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को बताने का कोशिश करता है। जब भी हम लोग एयर या वैक्यूम से अगर किसी वेलोसिटी ऑफ लाइट के वैल्यू को अगर हम लोग रेशियो वाइज लेते हैं तो ये आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के कारण ही यहाँ पर लाइट का जो नेचर है वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट लॉज अगर हम लोग देते हैं जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो फर्स्ट लॉ एज सिमिलर है दैट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब ये लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन में क्या है, फर्स्ट इसका सेम देखिए, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट यहां ट्रांसमिट हुआ है यही आपका रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और नंबर टू, द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसको हम लोग लिखते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ टू द सॉरी टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये गिवन पेयर के लिए आपका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है और इसी को हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यानी यहां ये एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिफाइन अगर कर रहा है तो इसका मीनिंग आपको क्या ये बताएगा, ये आपको एब्सोल्यूट कहने का अर्थ है कि जब भी हम लोग एयर को अगर ले लेते हैं तो एयर के कंपैरिजन में जब निकालते हैं म्यू का वैल्यू, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हम लोग का एब्सोल्यूट होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है। अगर हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो ये साइन आई बाई साइन आर, और आई का वैल्यू अगर कुछ लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री तो साइन आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका लाइट ग्लास से अगर एयर में आ रहा है तो यहाँ पर ये साइन आई बाई साइन आर अगर इसको हम लोग 1.5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दिस सिचुएशन इफ द लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ये हम लोग का वैलिड नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग है कि इसको क्लियरिफाई होना जरूरी है, नॉट नेसेसरली कि साइन आई बाई साइन आर। तो दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द लाइट नेचर ऑफ द लाइट और द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो किस मीडियम से चला है और किस में इंटर किया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कि जैसे अगर इस केस में अगर एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगा देते हैं तो लाइट फिर रिटर्न कर जाएगा, तो
लाइट रिटर्न कर जाएगा। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर टाइम दीजिए। इसको हम क्लियरिफाई करते हैं एक बार और कि फर्स्ट इक्वेशन में ए म्यू जी साइन आई बाई साइन आर लिया है आपने, और दूसरे में लाइट इंसिडेंट करने के बाद अगर फिर ये रिटर्न कर जाएगा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है सिचुएशन। और यहाँ प्लेन मिरर लगा दें तो ये लाइट फिर पाथ को रिवर्स कर जाएगा, तो जिस पाथ से लाइट आता है और उसी पाथ में अगर रिटर्न करेगा आइदर ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए ए म्यू जी साइन आई बाई साइन आर, और यहां से अगर ये ग्लास से जाता है तो जी म्यू ए इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई। अब ये आपको इसको अगर हम ऐसे लिखें वन बाई साइन आई बाई साइन आर, ये वैल्यू देखिए किसका इक्वल हो जाएगा, जी म्यू ए इक्वल टू ए म्यू जी, एंड देयर फोर ए म्यू जी इक्वल टू वन बाई जी म्यू ए। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर 1.5 लिया हुआ है तो जी म्यू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/1.5। तो ऐसे हम लोग इसको समझते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए। और वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम लोग देखिए ये वैल्यू जो न्यूमेरिकली अगर हम लोग इसको समझना चाहें, तो एक चीज आप यहाँ पर कंफर्म हो लीजिए पहले कि अगर हम लोग का ग्लास का और ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप म्यू इक्वल टू 1.5 लेते हैं तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में अगर निकालते हैं ये म्यू आपका 1.5 है, ये अंडरस्टूड है थ्री एयर और वैक्यूम के लिए, ये भी हो गया। तो भी का कैलकुलेशन देखिए 3 × 10⁻¹ / 1.5, तो ये आपका 2 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कि ये लाइट का वेलोसिटी चेंज कर गया जब एक से दूसरे मीडियम में आता है। ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। आप एंगल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखे हैं म्यू का, ये अगर दूसरा वैल्यू जब म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लेते हैं, तो आप यहाँ भी साइन आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू, ये वैल्यू आपका साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है, ये 0.5 है, ये आपका 1.5 है, और ये तब आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं साइन इनवर्स, और ये आपका 5/1.5। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग सेकेंड लॉ लिए हैं इसको अप्रॉस एक बार स्नेल्स लॉ को हम लोग फिर से समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब एक जनरलाइज्ड फॉर्म लेते हैं स्नेल्स लॉ के लिए। अगर सिस्टम हम लोग का एयर या दूसरा कोई मीडियम लिया हुआ है तो आप देखिए कि यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ये देखिए एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू, ये आई और ये आर है। सो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम द रिफ्रेक्ट मीडियम ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन टू म्यू टू एंड एक्स वाई इज द बाउंड्री टू सेपरेट द टू डिफरेंट मीडिया, सो हियर ए ओ बी, और इसके अकॉर्डिंग अगर स्नेल्स लॉ को लिखते हैं तो देखिए कि ये अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये हो गया आपका म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और ये देखिए आप चाहते हैं साइन आई साइन आर का वैल्यू, तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है और इसको हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है कि वन म्यू टू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये जनरल फॉर्म है स्नेल्स लॉ के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब अगर हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये अगर वाटर है ये अगर ग्लास है, तो इसका मीनिंग है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर से ग्लास में इंटर किया है यानी इंसिडेंस कहाँ है, तो ये साइन आई हो गया और ये साइन आर हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि जब भी वैल्यू आपको निकालना होगा
तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा, अगर दो डिफरेंट मीडियम हो जाए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लोग लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, नॉट नेसेसरली कि ऑलवेज आपके पास एक मीडियम एयर या वैक्यूम होगा, इसलिए हम लोग को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहिए। अब आपके पास देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लिया कि अभी जो सिचुएशन था, जैसे आप एक क्वेश्चन देखे हैं जिसमें म्यू इक्वल टू 1.5 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अब आप देखिए कि ईयर के लिए जब आप निकालते हैं तो सिंपली आप यूज किए हैं ए म्यू जी साइन 30 डिग्री बाई साइन आर, और तब आप यहाँ ये वहाँ पर 1.5 और ये साइन 30 डिग्री का जो भी वैल्यू है, जैसे 0.5 साइन आर और ये साइन आर को आप 0.5 बाई 1.5 और लास्टली आर इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 बाई 1.5 से डिनोट करते हैं और ये आर का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये सिचुएशन हो गया तो अब ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए कितना, तो 1.5, वाटर के लिए कितना, ये म्यू 1.33, इसको 4/3 से भी लिखते हैं और ये 3/2 से लिखते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो आपको लिखना है डब्ल्यू म्यू जी साइन आई बाई साइन आर, और ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगा, अब ये देखिए कि इसको आप ऐसे लिखते हैं ए म्यू जी ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जो वैल्यू नीचे दिया हुआ है इसको ऊपर लिख लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ग्लास से वाटर होगा तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर करना होगा उसको बाद में देखते हैं, तो यहाँ पर आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए। एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, ये साइन आर दिया हुआ है, या इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 3/2 कर सकते हैं, 4/3 कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री कर सकते हैं, साइन आर कर सकते हैं, ये आप 9/8 ऑफ 0.5 ऑफ साइन आर कर सकते हैं, और लास्टली आपके पास साइन आर इक्वल टू 0.5 इंटू 8/9 और आर का वैल्यू आप साइन इनवर्स। तो ये हम लोग कुछ कैलकुलेशन और कुछ चीज देखे हैं, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं और इसको एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।